हिब्रू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। प्रयास लगातार जारी है। जो जिन चीज़ों पर हमको सफलता मिली है वो आपके सामने है और सभी टीमें लगी हुई हैं, बहुत जल्दी हम इनकी गिरफ्तारी करने में सफल होंगे। और बाकी सर, अभी जो तीन शूटर्स अतीक अहमद के हत्याकांड में शामिल थे, क्या कुछ अपडेट मिली है, किस तरह से ये लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया और किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं ये शूटर, या ये इन्होंने खुद अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए किया था? ये तीन जो शूटर अतीक और अशरफ हत्याकांड में जो शामिल, ये मौके से ही पुलिस की तत्परता से गिरफ्तार कर लिए गए और शस्त्र बरामद हुए हैं इनके पास से, जो ये बाकी ये आईडी वगैरह उस सब के बारे में जिला पुलिस ने एसआईटी शासन द्वारा बना दी गई है, उसकी छानबीन जांच की जा रही है और उनको रिमांड पे बहुत जल्दी लिया जाएगा और उनसे पूरी इन सब जो भी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि तीनों चूँकि सामने हैं जिन्होंने हत्या किया है, तो वो सब थोड़ी बात जो अभी प्राथमिक तौर पर बताई है वो आपके सामने है। अभी तो उनका कहना ये है कि वो एक बड़ा अपराधी बनना चाह रहे थे, मोटिवेटेड फील कर रहे थे, जैसे लॉरेंस है उसने धमकी दिया तो उसको पैसा बहुत मिलने लगेगा और इस तरह की उनकी जो बातें थी कि उसने धमकी दिया सलमान खान को तो उससे उनका वो मोटिवेटेड फील किया और उससे मोटिवेट फील करके कि ये चूँकि आप लोगों ने 24 बजे के हत्याकांड को चलाया और टीवी मीडिया ने अतीक और अशरफ पर पूरा पिछले 1.5 महीने से काम चलाया, तो उससे वो देख कर कि ये एक ऐसा टारगेट है कि अगर हम इनको कर देंगे तो हमारा नाम भी बड़ा होगा। ऐसी बात उन्होंने प्रारंभिक तौर पर कही है, कितनी सही गलत है और इसके पीछे और कौन है, इस सबसे पर्दाफाश करने में कुछ समय लगेगा। अभी रिमांड पर आएंगे तो मैं समझता हूँ कि उस समय ये चीज़ें एसआईटी और जिला पुलिस और हम लोग भी लेकर के इसको करने सफल होंगे। इसके साथ ही सर, उनके पास से जो हथियार बरामद हुए, विदेशी हथियार बरामद हुए हैं और इसको लेकर के सभी हर तरह कनेक्शन, चाहे वो विदेशी जो हथियार मिले हैं उनके पास से, जो हथियार मिले हैं वो कहाँ से आए, इनके पास इन तक कहाँ से पहुँचे हैं, उससे पूछ पूरे रूट को खंगाला जाएगा और ये केवल यही अपने आप में स्वयंभू अपराधी मोटिवेटेड होकर के बड़ा अपराधी बनना चाह रहे थे यही एक बात थी, या इसके पीछे कोई आदमी है, उस सब चीज़ पर भी गहराई से छानबीन होकर के जब ये रिमांड पर आते तो पूछताछ करके उसको वेरीफाई करके बहुत जल्दी ही आपके सामने होगा। इसके साथ ही सर, ये बातें भी लगातार आ रही हैं कि शाइस्ता परवीन क्या अब अतीक का पूरा जो गैंग है उसको संभालेंगी या इससे पहले असद ने, तो भविष्य की बात है क्या वो संभालेंगी क्या नहीं संभालेंगी कितना संभालेंगी, बट ये है कि फिलहाल वो वांटेड असद ने, तो भविष्य की बात है क्या वो संभालेंगी क्या नहीं संभालेंगी कितना संभालेंगी, बट ये है कि फिलहाल वो वांटेड 50,000 रुपये पुरस्कार घोषित अपराधी पुलिस के लिए, उनकी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे और उसके पश्चात फिर आगे जैसा जो व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेगा उसके विरुद्ध कठोर अविधिक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सर आपने ये बात भी सामने आई थी कि असद जो था उसको भी अतीक ने और अशरफ ने जेल से ही सपोर्ट किया था, और क्या इस तरह शाइस्ता को भी सपोर्ट किया जाए, क्या कुछ इसमें तथ्य है? हाँ नहीं, अब वो तो अतीक और अशरफ ही मेन गैंग लीडर वही थे और ये जो दोनों माफिया थे ये बहुत बड़े अपराधी 40 सालों से वहाँ पर विशेषकर इलाहाबाद बाकी पूरे प्रदेश में उनका एक कुख्यात रूप से विख्यात थे और अपराधी थे, तो वो तो लगातार संचालन कर ही रहे थे, चाहे वो इनको छिपाने में हो, चाहे घटना को अंजाम देने में हो, चाहे षड्यंत्र में हो, चाहे इसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज जुटाने में हो, सब उनके नाम पर ही आ रहा था, उनके द्वारा ही किया कराया जा रहा था। सर बाकी अभी गुड्डू मुस्लिम को जो अपडेट चल रही है, क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ लगता है कि कब तक गुड्डू मुस्लिम को ये आपसे शेयर हम नहीं कर पाएंगे, जब हम गिरफ्तार कर लेंगे तब फिर हम उसको आप सामने फेस करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।